हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया टिप्स लेकर आई हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए देख लेते हैं टिप्स क्या है। तो पहली टिप्स मेरी फ्रेंड है ये खाने वाली टेबल को लेकर। जैसे आप लोगों के पास डाइनिंग टेबल है, स्टडी टेबल है, या सेंटर टेबल है, कोई भी टेबल है, उस पर मक्खी मच्छर या धूल मिट्टी जमी रहती है, तो हम उसको साफ़ करने के लिए क्या करते हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। फ्रेंड, मक्खी मच्छर जब इसके टेबल पे बैठ जाते हैं खाना खाने के बाद, जब हम लोग इसको साफ़ कर देते हैं, उसके बाद भी इसमें मक्खी मच्छर आके बैठ जाते हैं, तो आज मैं उसी के लिए आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उस चीज़ से साफ़ करेंगे तो उस पर बिल्कुल मक्खी मच्छर नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए देख लेते हैं वो टिप्स क्या है। तो ये मक्खी मच्छर के लिए फ्रेंड्स ये है डिटॉल। डिटॉल तो हर किसी के यहाँ होता है, जो गर्मी में हम लोग इसे पानी में डाल के नहाते हैं, तो इससे हमारे शरीर के कीटाणु दूर हो जाते हैं और हमें घमौरियाँ वगैरह नहीं होती हैं, तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है डिटॉल। तो फ्रेंड, इसी डिटॉल को हमें इस तरह से एक स्प्रे लेना है। स्प्रे लेने के बाद हमको इसमें इस डिटॉल को भर देना है। भरने के बाद हमें क्या करना है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, डेटॉल को मैंने इसमें स्प्रे बोतल में भर लिया है। मैं क्या करूँगी, जितने भी मेरे पास टेबल हैं उसमें मैं इस तरह से पूरे टेबल पे मार दूँगी और एक कॉटन का कपड़ा लूँगी और उसे मैं अच्छे से साफ़ करते हुए चली जाऊँगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये टिप्स फॉलो करते हैं तो इससे गंदगी भी दूर हो जाएगी और मक्खी मच्छर जो भी हैं वो आपकी टेबल पर नहीं बैठेंगे, और हाथ में रखने के बाद भी हमारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम साफ़ कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने खाने की टेबल चारों तरफ से अच्छे से साफ़ कर लिया है। फ्रेंड्स, इससे क्या है कि मक्खी मच्छर डिटॉल की गंदगी से बिल्कुल नहीं आएंगे, ये हम लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कीड़े मकोड़े के लिए बहुत ही ख़राब है, वो लोग इसकी महक को सहन नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड, इससे हमारी टेबल भी अच्छे से 24 घंटा महक भी बनी रहेगी। तो आपको ये दूसरे तीसरे दिन फॉलो करना है फ्रेंड। तो देखिए कितना अच्छा हमारा टेबल साफ़ हो गया है। तो चलिए मैं सेंटर टेबल भी इसी तरह से साफ कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, सेंटर टेबल भी मैं चारों तरफ से डिटॉल को डाल दूँगी, और अच्छे से डालने के बाद मैं एक कॉटन का कपड़ा लूँगी और इसे अच्छे से मैं साफ़ करते हुए चली जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये टिप्स आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वे टिप्स है धूल मिट्टी के लिए या कीड़े मकोड़े कुछ भी, आपके बच्चे के स्टडी टेबल भी आप लोग इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा क्लीन भी हो गया और साफ भी हो गया, और हमें मक्खी मच्छर से छुटकारा भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आई होप यह टिप्स आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अगली टिप्स फ्रेंड मेरी है ये छिपकली को लेकर। आपसे देखा गया कि हर कोई छिपकली से बहुत ही परेशान रहता है, ज़मीन पे कहीं भी इधर उधर घूमती रहती हैं और घर की दीवारों पे भी इधर उधर घूमती रहती हैं, और इसे देखकर सबको बहुत डर लगता है। तो चलिए फ्रेंड, इसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया टिप्स लेकर आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं वो टिप्स क्या है। फ्रेंड, छिपकली से गर्मी में हर कोई परेशान हो जाता है, या जहाँ देखो तहाँ ही हमें कमरे कमरे में या नीचे कुल घूमते हुए टहलती दिखाई देती हैं। तो आज मैं इसी के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया टिप्स लेकर आई हूँ। आप लोग इस टिप्स से छिपकली से छुटकारा पा सकते हैं, और जहाँ भी लाइट जलती रहती है वहाँ कीड़े भी बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसके लिए भी यह टिप्स बहुत ही कारगर है। फ्रेंड्स, आज मैं कोई केमिकल से इस टिप्स को नहीं बना रही हूँ, मैं घर के ही सामान से इस टिप्स को बनाऊँगी, जिसे आप लोग रोज़ किचन में यूज़ करने वाली चीज़ों से आज मैं ये टिप्स को बनाऊँगी। आप लोग को किचन में हमेशा ये काम आता रहता है, वही मैं टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। घर के ही सामान से इस टिप्स को बनाया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि वो टिप्स क्या है। तो सबसे पहले हमें उस टिप्स के लिए इस तरह से स्प्रे बोतल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके पास कोई भी स्प्रे बोतल है तो आप लोग वही ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो वो टिप्स फॉलो करके देखी, तब मुझे असर दिखा, तब मैं आप लोगों के साथ ही वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो अभी हमारे इसमें है, जहाँ भी हमें छिपकली या कीड़े बारिश के दिखते हैं लाइट के पास, वहाँ भी मैं इस तरह स्प्रे कर देती हूँ, और वहाँ से कीड़े और बिल्कुल छिपकलियाँ भाग जाती हैं। तो अगर आप लोग को यह टिप्स पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं टिप्स क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इस तरह से लेना है लहसुन, या लहसुन तो सभी के घर में होता है, आसानी से मिल जाता है हर किसी के यहाँ। तो हमें पहली चीज़ लहसुन लेना है, और दूसरी चीज़ इस तरह से हमें प्याज लेना है। फ्रेंड्स, ये दो चीज़ कीड़े के लिए और छिपकली के लिए बहुत ही कारगर नुस्खा है। फ्रेंड्स, आप लोग इसको आजमा के देख लेना।
तो अभी मैं सबसे पहले लहसुन और प्याज को काट कर छील लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह से प्याज को काट लेना है। अगर आपको इस तरह से प्याज काटने में लगती है तो आप वैसे ही बिना छीले ही आप लोग इसको काट करके भी बना सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से हमें एक मिक्सी जार लेना है और जार में हमें सब चीज़ों को ऐड कर देना है। फ्रेंड्स, यह ऐसा बढ़िया नुस्खा है कि छिपकली को इसकी गंध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। अगर एक बार आप लोग इसको छिड़क देंगे तो हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर भाग जाएंगी जहाँ पे आती हैं। तो जहाँ भी आपको छिपकली दिखती है, ये टिप्स आप लोगों को फॉलो करना है। तो अभी मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी। पहले मैं इस चीज़ को पानी डालकर सबसे पहले पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आधा कप पानी का यूज कर रही हूँ। आपको जितना भी बनाना है आप उतना बना सकते हैं। ये इसे पीस लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पीस लिया है। इसमें आधा कप पानी और मैंने ऐड किया था, तो ये सारा हमारा इतना बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे मैं छान लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लहसुन और प्याज को मैंने इस तरह से काट के पीस के इस तरह से छान लिया है। तो ये हमारा दो चीज़ का जूस एकदम से बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल छिपकली को घर से भगाने के लिए। बिल्कुल या उन लोगों के लिए जहर के समान है। अगर इसकी महक उन लोगों के नाक पास पहुंच जाएगी तो वो बिल्कुल घर से भागी जाएंगी। तो अब तीसरी चीज़ मैं ऐड करूँगी, ये डेटॉल। हाँ फ्रेंड, सही आप लोगों ने सुना, ये डेटॉल है जिससे हम लोग नहाते हैं, वही डेटॉल है। तीसरी चीज़ मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब ये तीनों चीज़ छिपकली और कीड़े के लिए इतना बढ़िया घरेलू नुस्खा है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। जब आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे तब आप लोगों को विश्वास होगा। तो फ्रेंड्स, छिपकली और कीड़े को भगाने का बहुत ही बढ़िया घरेलू नुस्खा है। आप लोग आसानी से अपने घर से छिपकली को भगा सकते हैं। तभी ये हमारा इस तरह से बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसके बोतल आप लोगों को दिखा ही दी हूँ, तो उसमें मैं अच्छे से भर लूँगी। और जहाँ भी हमको छिपकली या लाइट के पास, शाम को जब हम लाइट जलाते हैं बारिश में, तो ऐसे भी कीड़े बहुत सारे आ जाते हैं, तो लाइट जलाने के पहले ही वहाँ पे मैं इसका स्प्रे कर दूँगी अच्छे से। फिर उसके बाद मैं लाइट को जलाऊँगी तो उसके बाद कीड़े वहाँ पे नहीं आएंगी, क्योंकि इसकी गंध इतना तेज़ होती है कि जब तक इसकी गंध रहेगी तब तक तो कीड़े वहाँ पे बिल्कुल नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि यह टिप्स आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग को यह टिप्स पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं वीडियो लेकर आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।